नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ेंगे काव्य गुण। और काव्य गुण काव्य शास्त्र का एक बहुत ही अद्भुत और महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है। मुझे उम्मीद है यदि आप काव्य गुण प्रकरण से संबंधित अल्प ज्ञान भी नहीं रखते हैं तो क्लास समाप्ति के पश्चात आप महाज्ञानी हो जाएंगे, यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। यानी बात साफ है, यदि अभी आप जीरो है तो काव्य गुण में क्लास समाप्ति के बाद 100% अंक प्राप्त करने की क्षमता आप अर्जित कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज का महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है काव्य गुण। लिखिएगा, काव्य गुण। यदि मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है तो ठीक है, नहीं है तो आप जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं प्लीज़ कमेंट के माध्यम से अपनी सहमति जता दें कि मेरी आवाज़ पहुंच चुकी है या नहीं पहुंच चुकी है। चलिए, टाइम 7:01 का है। बाहर से जो लोग देख रहे हो क्या सोचेंगे कि क्लास के बच्चे इतने वो हैं क्या? टाइम का ध्यान रखिएगा प्लीज। चलिए, आज का हमारा टॉपिक है साथियों काव्य गुण। कोशिश करेंगे कि 9:00 तक आज के इस टॉपिक को हम समाप्त करें। वैसे संभव नहीं है क्योंकि इतना इजी नहीं जितना हम समझ रहे हैं, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं। काव्य गुण क्या है, अमूमन होता क्या है, जहां काव्य गुण की बात आती है तो डायरेक्ट 3 काव्य गुण को पढ़ा दिया जाता है। यहां से चालू करते हैं, ओज गुण, प्रसाद गुण और माधुर्य गुण। और आप भी खुश हो जाते हैं और पढ़ाने वाले गुरुजी भी खुश हो जाते हैं। इसके पीछे कारण क्या है, अगर आपको थोड़ा सा गहराई में लेके जाता हूँ तो फिर आपकी नसें खींचना प्रारंभ हो जाती है। कुछ समय पश्चात आपसे बातचीत की जाती है तो आप कहते हैं कि साहब समझ में नहीं आया। इसका कारण क्या है, कौन सी चीज़ें आपको समझ में आती है? आपको वही समझ में आती है जो जितना आपको आता है। संधि कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। अगर मैं 3 ही प्रकार बताऊँ मोटा मोटा, आप भी कुछ और गुरुजी भी कुछ। लेकिन अगर हम गहराई में उतरेंगे तो हो सकता है कि आपको थोड़ी सी तकलीफ हो, लेकिन साथियों ये तकलीफ अल्पकालिक हो सकती है, इसके दूरगामी परिणाम बहुत ही रोचक और प्रभावी होते हैं। मतलब मैं आपको बहुत ही गहराई से पढ़ाने वाला हूँ, इसलिए केवल 3 काव्य गुणों के बारे में चर्चा नहीं करेंगे। अभी तो हम शुरुआत कर रहे हैं कहाँ से कि काव्य के गुण होते क्या है। तो काव्य और गुण 2 अलग अलग शब्द है, वैसे भी आपको समझ में आ रहे होंगे। काव्य का मतलब कविता या काव्य का मतलब होता है पद्य। 3 समानार्थी शब्द है, पर्यायवाची और समानार्थी दोनों अलग अलग शब्द होते हैं। तो यहाँ काव्य कह सकते हैं हम लोग, पद्य कह सकते हैं, और हम लोग इसको क्या कह सकते हैं, कविता भी कह सकते हैं। ठीक है, और इसके गुण यानी कविता के कौन कौन से गुण होते हैं, काव्य के कौन कौन से गुण होते हैं या पद्य के कौन कौन से गुण होते हैं। साथियों, जिस प्रकार ईमानदारी होती है, समय की पाबंदी होती है, सच चरित्रता होती है, दयालुता होती है, परोपकारिता होती है, ये मानवीय गुण है। मैं काव्य गुणों की बात अभी नहीं कर रहा, मैं मानवीय गुणों की बात कर रहा हूँ कि जिस प्रकार ईमानदारी, सच चरित्रता और मैंने जो जो बताए ये मानवीय गुण है, और इन गुणों की वजह से मनुष्य की शोभा में वृद्धि होती है। इन गुणों की वजह से मनुष्य की शोभा बढ़ती है। ठीक उसी प्रकार जो गुण काव्य यानी कविता की शोभा को बढ़ाते हैं उन्हें काव्य का गुण कहा जाता है। प्रश्न उठता है कि साहब कैसे कविता की शोभा बढ़ाते हैं, कैसे ये काव्य गुण होते हैं? तो देखिएगा, मैं 3 उदाहरण बोल रहा हूँ ताकि आपको पहले ही समझ में आ जाए कि मैं क्या क्या पढ़ाने वाला हूँ। जैसे मैं कहूँ आप सामने, बरसे आग जलद जल जाए, बरसे आग जलद जल जाए, भस्म 7 भूदर हो जाए, कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए,
एक हिलोर इधर से आए और एक हिलोर इधर से आए, कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। मजा है ना इसको सुन के भी, ये एक ओजस्वी भावना का संचार कर रहा है, ओज गुण है। मैं सामान्य तौर पर कहूंगा, जैसे एक दिन ऐसा आएगा कोई काऊ का नाए, घर की नारी का कहे जब तन की नारी जाए, जब शरीर की नारी भी चली जाएगी तो घर की नारी के बारे में क्या कहेंगे। इससे भी काव्य की शोभा बढ़ रही है, लेकिन इससे आपको लग रहा है कि संसार नश्वर है, कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब जहां शांत रस होता है वहां प्रसाद गुण है, ठीक है। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोहे कहे बोहे हसे देन कहे नट जाए। इससे माधुरी यानी मधुरता का संचार हो रहा है, तो ये कौन सा गुण है, काव्य गुण है। तो कुल मिला के कविता की जो शोभा है वो तीन वजह से बढ़ती है, इसलिए कविता के तीन ही गुण है। ऐसा नहीं कि मनुष्य की शोभा केवल तीन गुणों की वजह से बढ़ती है, मनुष्य की शोभा बढ़ाने वाले अनेक कारण हो सकते हैं। ठीक है, यहां भी वही बात है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले अनेक कारण हो सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से उनमें तीन कारण महत्वपूर्ण माने जाते हैं, जिन्हें ओज, प्रसाद और माधुर्य कहकर हम लोग संबोधित करते हैं। ठीक है, अब प्रश्न ये भी उठता है कि साहब क्या काव्य गुणों की संख्या शुरू से लेकर अंत तक तीन ही मानी गई है, और काव्य गुणों का आधारभूत जो तत्व है वो क्या माना जाएगा। तो इनकी भूमिका के बारे में बाद में चर्चा करूंगा, पहले आपको समझा देता हूं। देखिएगा साथियों, काव्य गुणों पर अगर हम चर्चा की बात करें कि सर्वप्रथम किसने चर्चा की और कब की है, तो जैसा कि आपको बताया जा चुका है कि भारतीय काव्य शास्त्र में छह संप्रदाय हैं। छह संप्रदायों का क्रम आपको पिछली क्लास में मैं बता चुका हूं, कल की जो टेस्ट सीरीज हुई थी उसमें बता चुका हूं, फिर भी एक बार संक्षिप्त में बताना चाहूंगा। बहुत सामान्य, सबसे पहला कौन सा है, रस संप्रदाय है। रस संप्रदाय के बाद बिल्कुल अलंकार संप्रदाय आएगा, अलंकार के बाद में रीति संप्रदाय, और रीति के बाद में ध्वनि संप्रदाय। और कृपया यात्रीगण ध्यान दे, यहाँ ध्यान देने की बात क्या है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ये ध्वनि संप्रदाय दह में क्या मिला हुआ है, वह जस्ट इसके बाद में जो संप्रदाय आएगा वो कौन सा होगा, वक्रोक्ति संप्रदाय। और वक्रोक्ति के बाद में जो संप्रदाय है वह है आपका औचित्य संप्रदाय। ठीक है, पहले इनका वक्त जानना पड़ेगा, विचारकों के बारे में जाने की जरूरत। नवला प्रदाय का समय माना जाएगा का नौवी वक्रोक्ति प्रदाय, निर्धारित हुए आम आदिक्षित हुए कि काव्य की आत्मा क्या होनी चाहिए, काव्य यानी कविता की मूल आत्मा क्या है। तो सबसे पहले रस संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य भरत मुनि ने कहा कि साब रस काव्य की जो आत्मा है वो तो सिर्फ और सिर्फ कौन है, रस है। यानी रस ही काव्य की आत्मा है, आनंद ही काव्य की मूल आत्मा है। सबसे पहले ये बात आज से लगभग 2300 वर्ष पहले ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी में आचार्य भरत मुनि ने कही थी। इसके बाद में दूसरी पार्टी जिसको आप कह रहे हैं, दूसरा संप्रदाय, अलंकार संप्रदाय का आविर्भाव हो गया। और अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य बामे ने कहा, जिनका समय 6वीं शताब्दी, जन्म कश्मीर में हुआ था भामा का, इन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, रस काव्य की आत्मा नहीं है, अपितु अगर काव्य की आत्मा की बात करते हैं तो काव्य की आत्मा तो अलंकार है। अब ये तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस राजनीतिक पार्टी को सपोर्ट करें आठ में से, तो बात सब अपनी अपनी मर्जी बात कर रहे हैं, सब अपने अपने हिसाब से पार्टियां चला रहे हैं, तो संप्रदाय तो विकसित हो गए। अंत में हम लोग इस निष्कर्ष पर भी पहुंचेंगे कि काव्य की आत्मा वास्तविक रूप से कौन सा संप्रदाय है। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य वामन है जिनका समय 8वीं शताब्दी, ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक आनंद वर्धन है, और वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक कुंतक साहब है, औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य शैमेंद्र है। ठीक है, ये छह संप्रदाय बार बार नहीं पढ़ाऊंगा, कोशिश ये कीजिएगा कि 99% अभी के अभी याद हो। ऐसा मत सोचिएगा कि सब कल कर लेंगे, घर जाके याद कर लेंगे, जब दो घंटे इतनी दूर कड़कड़ाती सर्दी में आप आए हैं
तो फिर आपके लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, सबसे पहले रस संप्रदाय, क्रम पूछा जाता, समय भी बता दिया, आचार्य भी बता दिए कि इनकी प्रवर्तक कौन है। रस संप्रदाय, अलंकार संप्रदाय, रीति संप्रदाय, फिर देखिएगा ध व नि, तो ध फिर वैसे वक्रोक्ति और लास्ट में औचित्य संप्रदाय। प्रश्न ये उठता है कि साहब आप ये क्यों पढ़ा रहे हैं हमें, आप तो एक तरफ तो कह रहे हैं कि मैं आज काव्य गुण पढ़ेंगे हम लोग, और आप एक तरफ संप्रदायों के बारे में बात कर रहे हैं, ऐसा क्यों? जब तक आपको ये समझ में नहीं आएंगे तब तक काव्य गुण समझ में नहीं आएगा। अब बात करते हैं मुद्दे की, ये भी मुद्दे की बात है, अनावश्यक बात नहीं थी। देखिएगा काव्य गुण के बारे में अगर हम बात करें, सुस्पष्ट चर्चा, सुस्पष्ट लक्षण काव्य गुणों का किसने दिया है? तो काव्य गुणों का सुस्पष्ट लक्षण आचार्य वामन ने 8वीं शताब्दी में सबसे पहले इसका सुस्पष्ट लक्षण प्रस्तुत किया था। इसका मतलब बात साफ है, वामन यानी शताब्दी कौन सी? 8वीं शताब्दी। यहां यह भी समझना आवश्यक है साथियों। देखिएगा अब प्रश्न ये उठता है कि साहब आचार्य वामन का समय 8वीं शताब्दी है, इनका जो संप्रदाय था, आगे आ जाइएगा, इनका जो संप्रदाय था वो कौन सा था? रीति था। और आप पढ़ा रहे हैं किसके बारे में? गुणों के बारे में। तो मैं आपकी जानकारी के लिए स्पष्ट करना चाहूँगा, और स्पष्ट तौर पर बात ये है कि काव्य जो गुण है, इन काव्य गुणों के बारे में चर्चा सबसे पहले किस विद्वान ने की है उस पर मत जाइएगा, बल्कि काव्य गुणों का सुस्पष्ट लक्षण सबसे पहले आचार्य वामन ने प्रस्तुत किया था। साथियों रीति संप्रदाय के अंतर्गत यह बताया गया है कि रीति और गुण परस्पर एक दूसरे पर आश्रित है। पहले बात समझिएगा, रीति और गुण एक दूसरे पर आश्रित है। तीन प्रकार के गुण है सार्वभौमिक दृष्टि से, तो तीन ही प्रकार की रीतियां भी है, औज प्रसाद माधुरी वेदर्भी घोड़ी और पांचाली, तीन रीतियां और एक एक गुण में एक एक रीति निहित होती है। तो बात साफ है, आचार्य वामन ने 8वीं शताब्दी में ये कहा है कि रीति और जिनका हम अध्ययन करने जा रहे हैं गुण, परस्पर एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे पर आश्रित है। इसलिए जहां भी हम बात करेंगे, चाहे काव्य रीति की बात करें, चाहे हम काव्य गुण की बात करें, या इसके जस्ट बाद में जो टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा काव्य दोष उनकी बात करें, सभी पर विधिवत चर्चा या सुस्पष्ट लक्षण 8वीं शताब्दी में आचार्य वामन ने ही प्रस्तुत किए हैं, चाहे वो काव्य का गुण हो, चाहे वो काव्य की रीति हो, चाहे काव्य का दोष हो, सबके बारे में चर्चा सुस्पष्ट रूप से किसने किए? वामन ने कही। अब प्रश्न ये भी उठता है कि साहब ये बात तो समझ गए, 8वीं शताब्दी में वामन ने इसका सुस्पष्ट लक्षण प्रस्तुत किया और क्या कहा, ये चर्चा हम बाद में करेंगे, लेकिन यदि आप उतावले हैं तो मैं बता देता हूं, आचार्य वामन ने यहां एक बात स्पष्ट तौर पर कही है कि काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुणा, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म काव्य के गुण कहलाते हैं। एक बार पुनः समझिएगा, काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुणा, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म काव्य के गुण कहलाते हैं। ये बात आज से 1200 वर्ष पहले आचार्य वामन ने, आज 21वीं शताब्दी चल रही है, तो आज से 1200 वर्ष पहले ये बात आचार्य वामन ने अपने ग्रंथ काव्य अलंकार सूत्रवर्ती में कही है। ठीक है, अब आपके मस्तिष्क में ये भी प्रश्न उठता है कि साहब बात तो सही है आपकी, फिर आचार्य वामन ने काव्य गुणों की संख्या कितनी मानी है? तो आचार्य वामन ने काव्य गुणों की संख्या 10+10=20 काव्य के गुण माने हैं। कृपया यात्रीगण ध्यान दे, यहाँ 20 काव्य गुण का मतलब क्या हो गया? यहाँ तो 20 काव्य गुण का मतलब ये हुआ है कि हम लोग तीन काव्य गुण पढ़ते हैं, तीन काव्य गुण समझते हैं, लेकिन जिन्होंने काव्य गुणों का सुस्पष्ट लक्षण दिया वो तो काव्य गुणों की संख्या 10 शब्द गुण, 10 अर्थ गुण, टोटल कितने काव्य गुण मानते हैं? 20। तो आचार्य वामन के अनुसार काव्य गुणों की संख्या कितनी है? 20। मैंने क्लास की शुरुआत में आपको बता दिया था
कि आप एकदम जीरो है, कुछ भी नहीं आता आपको, ये समझ लो आप। अगर इस क्लास में, और इस क्लास में नहीं किसी भी क्लास में, ये अहंकार की बात नहीं है, अभी तो माँ सरस्वती का ऐसा वरदान है, चौथी क्लास में पढ़ने वाले बच्चे को बैठा दो, वो भी समझ जाएगा एकदम जीरो से। मैं आपको समझा रहा हूँ, और अगर ये क्लास भी बोल रहा हूँ आज से, और इससे इजी तरीके से क्या समझाया जा सकता है, इतना इजी तरीके से मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ, तो आप कोशिश कीजिएगा अपने बेस। अब आपके मस्तिष्क चलेगा, यही आ जाते हैं कि साहब क्या आचार्य वामन से पहले काव्य गुणों पर चर्चा ही नहीं हुई, और हाँ क्या आचार्य वामन के बाद में भी काव्य गुणों पर चर्चा हुई है। ठीक है, एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि साहब आठवीं शताब्दी यानी आज से 1200 वर्ष पहले आचार्य वामन ने काव्य गुणों का सुस्पष्ट लक्षण प्रस्तुत किया, लेकिन क्या इससे पहले, वामन से पहले और वामन के बाद में काव्य गुणों पर चर्चा ही नहीं हुई है? बिल्कुल हुई है। ये देखिएगा, इनसे पहले भी, आचार्य वामन से पहले भी काव्य गुणों पर सुस्पष्ट रूप से चर्चा हो चुकी है, की जा चुकी है। अब किस किस ने चर्चा की है, तो देखिएगा यहां अगर हम बात करें तो इससे पहले भरत मुनि का स्थान आता है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए आचार्य भरत मुनि काव्य शास्त्र के प्रवर्तक है, यानी पहले आचार्य भरत मुनि है सबसे पहले, और अंतिम आचार्य का नाम क्या, जगन्नाथ है। ठीक है, बीच में आठवीं शताब्दी में वामन आ गए, तो इनसे पहले, वामन से पहले भरत मुनि का जो समय है वो है ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी, यानी इनसे एक गुणों पर प्रकाश डाला है, और इन्होंने कहा है, क्या कहा है, ये चर संख्या 200 वर्ष पहले इन्होंने भी काव्य गुणों की संख्या 10 मानी है, इस पर भी चर्चा करेंगे। इनसे पहले दंडी का समय आता है, दंडी का समय 7वीं शताब्दी है, इन्होंने भी काव्य गुणों की संख्या 10 मानी है। और वामन के बाद में अगर हम बात करेंगे साहब, आनंद वर्धन कितनी मानी है, मम्मट ने कितनी मानी है, तो देखिएगा आनंद वर्धन का समय 9वीं शताब्दी है, यानी इनसे 100 साल बाद में इन्होंने कहा कि काव्य गुणों की संख्या 3 होनी चाहिए। फिर कुंतक का समय 10वीं 11वीं शताब्दी है, इन्होंने कहा कि हमारे हिसाब से काव्य गुणों की संख्या 6 कर लो। फिर भोजराज ने कहा कि मैं तो बड़ा आदमी हूँ, समझ में आ गए, मेरे हिसाब से काव्य गुणों की संख्या 24+24+24 बराबर कितने कर लो, 72। काव्य गुणों की संख्या में सर्वाधिक वृद्धि करने वाले आचार्य कौन है, भोजराज। कब की बात है ये, 11वीं शताब्दी। भोजराज का समय क्या है, आज से 1000 वर्ष पहले, ये प्रश्न 2010 के फर्स्ट ग्रेड लेक्चर में पूछा गया था, जिसमें मैं सेलेक्ट हुआ था कि निम्न में से किस आचार्य ने काव्य गुणों की संख्या में सर्वाधिक वृद्धि की है, संख्या नहीं पूछी थी, सर्वाधिक वृद्धि करने वाले आचार्य कौन है, भोजराज। कहीं बच्चे यहाँ ये भी प्रश्न करते हैं कि साहब इनकी संख्या 48 है या फिर 72 है, इस पर भी मैं चर्चा करूंगा जब आपको डिटेल से मैं पढ़ाऊंगा। इसके बाद में मम्मट का समय भी 11वीं शताब्दी है, मम्मट ने कहा कि ये गलत बातें हैं, बेवजह से आप इसको बढ़ावा दे रहे हैं, काव्य गुणों की संख्या तो सिर्फ और सिर्फ कितनी होनी चाहिए, 3 ही होनी चाहिए, कौन कौन से, औज गुण, प्रसाद गुण और माधुरी गुण। तो काव्य गुणों की संख्या 3 किसने मानी है, आचार्य मम्मट ने। क्लास शुरू होने से पहले आपको बताया जा चुका कि मम्मट ही रामचंद्र शुक्ल है, यानी जो योगदान शुक्ल जी का साहित्य में, वो योगदान किसका है, मम्मट का काव्य शास्त्र में। इनकी बात, इनके विचारों का विद्वानों ने कदम कदम पर समर्थन किया है। मम्मट के बाद विश्वनाथ 14वीं शताब्दी, जगन्नाथ जो लास्ट आचार्य 17वीं शताब्दी भी ने भी काव्य गुणों की संख्या कितनी मानी है, 3 ही मानी है। ठीक है, ये तो रहा इनका एक ऐतिहासिक महत्व, जिसको आप बोलते हैं एजेंडा। प्रश्न उठता है कि साहब ये तो संस्कृत के विचारक हैं, अब हिंदी के आचार्यों ने काव्य गुणों के बारे में क्या कहा, बिल्कुल उस पर भी चर्चा करूंगा। रीति काल के 12 ऐसे आचार्य, केवल 12 है, मेरा अपना तजुर्बा, अध्ययन की सीमाएं हैं, रीति काल के 12 ऐसे आचार्य जिन्होंने काव्य गुणों पर चर्चा की, जैसे अपन बात करते कुलपति मिश्र है, प्रताप साई है, कवि देव है,
जिन्होंने काव्य गुणों की संख्या कितनी मानी है, तो वहां ज्यादा डिटेल से नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ चर्चा जरूर करेंगे कि देव ने काव्य गुणों की संख्या 12 मानी है, 12 कौन कौन से काव्य गुण है, ताकि किसी भी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा में आपका कोई भी प्रश्न गलत नहीं हो। इसलिए मैंने शुरुआत में कहा था कि एक दिन में पूरा होना ये थोड़ा सा असंभव है। हाँ अगर डायरेक्ट हम ओज प्रसाद माधुरी पे आ जाए तो एक घंटे में आसानी से पूरा हो सकता है। ठीक है, और डिटेल हम आगे पढ़ेंगे, पहले ये शुरुआत यहां से करते हैं। लिखिएगा काव्य गुण, और बेहतर ये होगा कि आप लोग केवल और केवल बेहतर ये होगा कि आप एक ही प्रकार के पेन का प्रयोग करें। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सार्वजनिक तौर पर नहीं बोल सकता, घर की बात है घर में रहे, लेकिन क्या करें, तुम तो समझदार ही नहीं हो, पूरी दुनिया को बात सुनाना चाहते हो आप। जो ऑनलाइन में बच्चे पढ़ रहे हैं उनको क्या सोचते होंगे आपके बारे में कि इतने लेट आते हैं, उबासे लेते रहते हैं क्लास के बच्चे, अलग अलग प्रकार के पेनों का प्रयोग करते हैं। देखो भाई मेरे पर तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं कोई काम नहीं करता, हालांकि गलती तो मेरी भी, मैं भी अलग अलग प्रकार के ले रहा हूँ, लेकिन मेरा अलग मामला, भाई मुझे छोड़ो, अपने आप में अलग रखिएगा। ब्लैक पेन का प्रयोग करिए आप, इसके पीछे कारण क्या है, एक ही लाइन बोलना चाहूंगा, क्योंकि आप अगर उन नोट्स की इन फ्यूचर फोटोकॉपी करवाते हैं तो अगर लाल पेन से लिखेंगे तो साफ ही नहीं आएगा बिल्कुल भी, और दो दिन बाद में बद्दे हो जाएंगे। बढ़िया सृजनात्मक रूप में आप नोट्स बनाएं, एक ही पेन का प्रयोग करिए, ब्लैक एकदम, वो भी दो प्रकार के पेन आते हैं तो थोड़ा सा जिसकी गहरी इंक हो ना उसका आप प्रयोग करें तो बढ़िया रहेगा और बहुत बेहतर ढंग से आप लिखने का प्रयास करें। ओके चलिए, अब आज हम लोग शुरुआत कर रहे हैं काव्य गुण। लिखिएगा ये काव्य गुण के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। लिखिए गुण का शाब्दिक अर्थ है, गुण का शाब्दिक अर्थ है दोषाभाव, दोषाभाव यानी जिसमें दोषों का अभाव होता है। गुण का शाब्दिक अर्थ है दोषाभाव, गुण का शाब्दिक अर्थ है शोभाकारी, शोभाकारी, गुण का शाब्दिक अर्थ है आकर्षक धर्म, आकर्षक धर्म, गुण का शाब्दिक अर्थ है, एक बार पुनः समझिएगा, दोषाभाव, जिसमें दोषों का अभाव हो वह गुण होता है। जो शोभाकारी, जो शोभा में वृद्धि करता है या शोभा करता है, और तीसरा जो आकर्षक धर्म होता है उसे क्या कहा जाता है, गुण कहा जाता है। तो ये गुण के शाब्दिक अर्थ माने जाते हैं। चलेगा यहां शुरुआत करते हैं भूमिका में, जिस प्रकार है सच्चरित्रता, जिस प्रकार सच्चरित्रता, ये व्यंजन संधि के योग से बना हुआ शब्द है, सत प्लस चरित्र तो तय का क्या बन जाता है, चय बन जाता है, सही बोल रहा हूं मैं, ठीक है। सच्चरित्रता, ईमानदारी, जिस प्रकार सच्चरित्रता, ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठता, कर्तव्यनिष्ठता, समय की पाबंदी, दयालुता, मानवीय गुण है, समय की पाबंदी, दयालुता मानवीय गुण है, मानवीय गुण है, और इन गुणों की वजह से मानवीय शोभा में वृद्धि होती है, और इन गुणों की वजह से मानवीय शोभा में वृद्धि होती है, यानी मनुष्य की शोभा बढ़ती है,
ठीक उसी प्रकार जिन गुणों की वजह से काव्य की शोभा में वृद्धि होती है, उन्हें काव्य गुण कहा जाता है। ठीक है। अब यहां यह भी समझिएगा, गुणहीन काव्य जिसमें गुण नहीं है, चाहे वो काव्य हो चाहे मनुष्य हो, गुणहीन मनुष्य पशु के समान होता है, संस्कृत में कहा भी गया है। ठीक इसी प्रकार गुणहीन जो काव्य है जिसमें गुण नहीं है, गुणहीन काव्य अधम श्रेणी का काव्य माना जाता है। ये लीजिएगा, अधम श्रेणी का काव्य माना जाता है, गुणहीन काव्य अधम श्रेणी का काव्य माना जाता है। यहां ध्यान देने की आवश्यकता यह भी है साथियों, गुणहीन काव्य अधम श्रेणी का काव्य कैसे हो सकता है? अधम का मतलब होता है तीन प्रकार की स्थितियां होती है, उत्तम श्रेणी, मध्यम श्रेणी और अधम। अधम का मतलब होता है सबसे निम्न श्रेणी का काव्य माना जाता है। लिख लीजिएगा, अधम का मतलब सबसे निम्न श्रेणी का काव्य माना जाता है। ठीक है। अगर हम बात करें साथियों, तो यहां ये बात आपको जानना और समझना आवश्यक है, काव्य गुणों का सुस्पष्ट लक्षण सर्वप्रथम सर्वप्रथम आठवीं शताब्दी के आचार्य वामन ने अपने ग्रंथ काव्यालंकार सूत्रवृत्ति में प्रस्तुत किया। सबसे पहले काव्य गुणों का सुस्पष्ट लक्षण आठवीं शताब्दी के आचार्य वामन ने अपने ग्रंथ, जिसका नाम एक बार पुनः समझ लीजिएगा, काव्यालंकार सूत्रवृत्ति में किया। ठीक है। आचार्य वामन ने रीति संप्रदाय को गुण संप्रदाय भी कहा। आचार्य वामन ने रीति संप्रदाय को गुण संप्रदाय बतलाते हुए रीति व गुण दोनों को परस्पर आश्रित माना कि जहां भी गुण होगा वहां रीति होगी, जहां रीति होगी वहां गुण होंगे ही होंगे। वैसे जल्दबाजी हो जाएगा ये कहना,
क्योंकि मैं अभी पढ़ा भी सकता हूँ कि रीति कौन कौन सी होती है, गुण कौन कौन से होते हैं। एक बार समझ लीजिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं, अपने सामने देखिएगा। रीति की संख्या कितनी मानी गई है? तीन। मैं पहले लिखता हूँ, जैसे गोड़ी रीति है, ठीक है, इसी प्रकार एक रीति है वैधर्भी रीति। साथियों, रीतियों का वर्गीकरण भौगोलिक आधार पर किया गया है, जैसा भौगोलिक सिचुएशन है उसके आधार पर। विदर्भ प्रदेश की जो रीति थी वैधर्भी बन गई, गोड प्रदेश की जो रीति थी पश्चिम बंगाल में वो गोड़ी बन गई, और वैधर्भी गोड़ी और पांचाली, ठीक है। ये तीन तो क्या है साथियों? रीतियां हैं, ठीक है। अपन यही तो चर्चा कर रहे हैं कि वामन ने रीति संप्रदाय को गुण संप्रदाय बतलाते हुए रीति व गुण दोनों को परस्पर आश्रित माना है। तीन प्रकार की रीतियां होगी। अब गुणों की संख्या भी कितनी हो गई साथियों? तो गुणों की संख्या भी तीन ही है। देखिएगा, जहां हम बात करते हैं किसकी? गोड़ी रीति की। तो यहां आप देख लीजिएगा, गोड़ी रीति में ओज गुण होगा। तीन प्रकार के गुण है सार्वभौमिक दृष्टि से, तो जहां भी ओज गुण होगा 100% गोड़ी रीति होगी। जहां भी गोड़ी रीति होगी वहां ओज गुण है। इसका मतलब बात साफ है, अगर आपने काव्य गुण को समझ लिया तो काव्य रीति अपने आप ही समझ में आ जाएगी मात्र 10 मिनट में। न इनके उदाहरण अलग अलग है, जो गोड़ी रीति के उदाहरण है वही ओज गुण के उदाहरण है, जो गोड़ी रीति की विशेषताएं हैं वही ओज गुण की विशेषताएं हैं। तो अगर आप, बात साफ है, एक टॉपिक नहीं पढ़ रहे, यहां दो टॉपिक साथ साथ आप पढ़ेंगे, ठीक है, गुण और रीति। जहां भी वेदर भी रीति होगी वहां जो रीति होगी वो कौन सी, गुण कौन सा हो जाएगा? माधुर्य, माधुर्य गुण होता है। जहां भी पांचाली रीति होगी साथियों वहां जो गुण होगा वो कौन सा है? प्रसार। कृपया यात्रीगण ध्यान दे, ऐसे तो पूरी दुनिया ही पढ़ाती है, साथ का साथ याद करने का तरीका पैसे पै को जोड़ेंगे। ध्यान दीजिए, पांचाली में कौन सा गुण होता है? तो पैसे आप पै को जोड़ेंगे, दोनों बातें समझ में आ गई, कभी नहीं भूलेंगे। चलो दूसरी बात, इसमें दो वर्ण है, ये मेरा अपना तजुर्बा है, उसके आधार पर बता रहा हूं। दो वर्ण है तो दो वर्णों का, नहीं तो क्या होता है, अमूमन आज तो याद हो जाता है, दो दिन बाद में पता नहीं कौन सी रीति में कौन सा गुण घुस जाता है। तो पैसे तो पै को जोड़ेंगे, प्रसाद और पांचाली, राइट, इधर गोड़ी और ओज, इसमें तीन वर्ण है, इसमें भी तीन ही वर्ण है, खत्म, हमेशा हमेशा के लिए याद हो गया, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा है कि रीति व गुण दोनों को परस्पर आश्रित माना है और तीन गुण माने हैं, तो तीन ही इन्होंने क्या मान लिया? रीतियां मानी है, ठीक है। अब यहां ये चर्चा किया जाना जरूरी है, क्योंकि काव्य गुणों का सुस्पष्ट लक्षण 8वीं शताब्दी के आचार्य वामन ने अपने ग्रंथ काव्य अलंकार सूत्रवर्ती में प्रस्तुत किया और ये बताया कि गुण और रीति दोनों एक दूसरे पर आश्रित हैं, ठीक है। अब इन्होंने काव्य गुणों की संख्या कितनी मानी है, इस पर चर्चा हम लोग बाद में करेंगे, लेकिन ये जानना जरूरी है क्या कि आचार्य वामन से पहले भी काव्य गुणों पर चर्चा हुई, यानी 8वीं शताब्दी से पहले भी हुई और 8वीं शताब्दी के बाद भी काव्य गुणों पर चर्चा की गई है। तो अब आप लिखिएगा नीचे, आचार्य वामन से पहले भी काव्य गुणों पर प्रकाश जाट करें कि आवाज नहीं आ रही है, झूठ बोल रहे हैं, इतनी झूठ मत बोलो, सुबह सुबह बोनी बट्टे के टाइम। वेद अपनी किताब में लिखा है कि एक विवादास्पद विषय, हकीकत तो ये है कि अग्नि पुराण का न तो रचना काल मिलता है और न ही इसके वास्तविक लेखक का आज तक किसी को पता है। वो हमारी वंश कौन है, पहले इनके पिताजी थे, इससे उस वंशावली के कोई भी व्यक्ति से लेखक नहीं है, वो बहुत सारी पीढ़ियों का एक सामूहिक प्रयास हो सकता है। तो वास्तविक लेखक वेदव्यास ही माने जाते हैं। अब इस आधारित है क्योंकि भाषा और न उसके लिए भी लगभग शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, अरे भाषा भी एकदम नहीं बदलती जाती है, लेकिन इसका मतलब लगभग कितनी मानी है इस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो अग्नि पुराण लिख लिया, वेद 18 काव्य गुणों को इन्होंने तीन भागों में बांट दिया, और यहां हम बात कर रहे हैं ओज। तो काव्य गुणों की संख्या यहां तक आते आते
शब्द गुणों की संख्या तो कितनी हो गई, 6 हो गई। इसका मतलब वेदव्यास जी भी पढ़े लिखे हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि इन्होंने भी काव्य शास्त्र को पढ़ा है। बिल्कुल, शब्द गुणों की संख्या तो मान ली गई है 6। सारे के सारे शब्द गुण मिनटों में याद करवा देता हूं। और यहां याद करना इंपॉर्टेंट नहीं, बल्कि यह भी समझना महत्वपूर्ण है। क्या कि साहब आज से 2800 वर्ष पहले, ध्यान दीजिएगा, औजगुण तो था, सलेश, देखो का क्या हो रहा है, जो अलंकार है सलेश गुण थोड़ा ही है। सलेश हमारे इस पाठ्यक्रम का एक महत्वपूर्ण अलंकार है। इन्होंने इसको भी क्या माना है, काव्य का गुण माना है। समझ रहे हैं? औज इसमें प्रसाद है नहीं है, इसमें माधुर्य भी नहीं है। इसका मतलब इन्होंने काव्य गुणों की संख्या कितनी मान ली, या शब्द गुणों की संख्या तो 6। यहां इस शब्द को समझना जरूरी है। यह शब्द बना है ललित में यह प्रत्यय लगने से लालित्य बनता है, गंभीर शब्द में यह प्रत्यय लगने से गांभीर्य बनता है। कैसे बनता है ये बातें मैं आपको प्रत्यय प्रकरण के अंतर्गत समझाऊंगा। और औदार्य शब्द में मूल शब्द क्या है, उधार में यह प्रत्यय लगने से औदार्य बना है। लिख लीजिएगा, शब्द गुणों की संख्या 6 मानी गई है, ललित प्लस ये से लालित्य बनता है, काम में आएगा, यहां गंभीर प्लस ये से गांभीर्य बनेगा, और उधार प्लस ये से क्या बन जाएगा, औदार्य बन जाएगा। चलिए शब्द गुण के बाद में हम चर्चा करते हैं अर्थ गुण। अर्थ गुण, अर्थ गुणों की संख्या भी इन्होंने 6 मानी है, अर्थ गुणों की संख्या भी 6 मानी है। और साथियों 6 अर्थ गुण कौन कौन से यह भी बता देता हूं मैं। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे माधुर्य, ये अर्थ गुण की श्रेणी में इन्होंने माना है, अर्थ गुणों में माधुर्य। माधुर्य के बाद हम बात करते हैं संविधान, संविधान, संविधान के बाद में अगला काव्य गुण है उदारता। आराम से उतार लीजिएगा, अर्थ गुण में माधुर्य, संविधान, उदारता, कोमलता, प्रौढ़ी, कोमलता, और एक और काव्य गुण है प्रौढ़ी, जो शब्द बना प्रौढ़ प्लस ई से बनता प्रौढ़ी, और हो गया साम्यिकता, साम्यिकता। ये काव्य गुणों की संख्या इन्होंने 6 मानी है। इसके बाद में शब्दार्थ गुण भी बता देता हूं आपको, शब्दार्थ गुणों की संख्या भी 6 है, जिसमें शब्द भी आएगा और अर्थ भी आएगा। कौन कौन से हैं शब्दार्थ गुणों की संख्या, तो ये भी आपको बता देता हूं। जी हाँ, इसमें सौभाग्य है, यथा संख्य है, सौभाग्य, यथा संख्ये, दो तो ये हो गए हैं शब्दार्थ गुणों में सौभाग्य, यथा संख्ये, और भी बहुत सारे गुण हैं जिसके अंतर्गत हम बात कर सकते हैं, प्राशस्ते, पाक, राग, ये लीजिए प्राशस्ते, ये पाक गुण है, ये राग गुण है, राग गुण है, और आपका इसमें क्या आ जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5 वैराग्य। चलेगा, ये काव्य गुणों की संख्या 18 इन्होंने मानी है। अभी आपको थोड़ा सा गहराई में जाने से ऐसा लग रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे आप पढ़ेंगे मिनटों में याद होते रहेंगे। पहले तो ध्यान देने की आवश्यकता है कि पूरे के पूरे काव्य गुणों को रटने की आपको आवश्यकता नहीं है, पहली बात तो ये। मोटा मोटा ये भी समझना होगा कि इनमें से क्या क्या चीजें आज से 2800 साल पहले थी। तो देखिएगा, शब्द गुणों में सलेश, लालित्य, गांभीर्य, सुकुमारता, औदार्य, औज, इसका मतलब केवल और केवल शब्द गुणों में अर्थ गुण था, एक गुण सा था औज गुण था, अर्थ गुणों में माधुर्य था, फिर देखिएगा संविधान, उदारता, कोमलता, प्रौढ़ी, सामिकता, और तो नाम ही नहीं सुने हमने, इसका ही तो नाम सुन रखा है यहाँ। फिर शब्दार्थ गुणों में कौन कौन से हैं, सौभाग्य, जो शब्द बना सुभाग में ये प्रत्यय लगने से, प्राशस्ते, प्रशस्त प्लस ये से,
राग वैराग यथा संके और पाक, इसका मतलब बात साफ है कि अग्नि पुराण में दो काव्य गुण तो थे, कौन कौन सा, ओजबीता और माधुरीबीता, लेकिन यहाँ प्रसाद नामक काव्य गुण नहीं था। सर्वप्रथम 2800 वर्ष पहले काव्य गुण में प्रसाद नामक काव्य गुण का अभाव सुस्पष्ट तौर पर देखा जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़े चलेगा। अग्नि पुराण के बाद में अब हम चर्चा कर रहे हैं आचार्य भरत मुनि के अनुसार। आचार्य भरत मुनि क्या कह रहे हैं ये भी समझ लीजिएगा। आचार्य भरत मुनि जिनका समय है ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी, ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी, ग्रंथ का नाम है नाट्य शास्त्र, और इन्होंने क्या कहा इस पर भी चर्चा हम लोग करेंगे। भरत मुनि ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी और ग्रंथ का नाम है नाट्य शास्त्र, इन्होंने क्या कहा है, अत एव गुणा विपर्या विपर्यास्ता, अत एव गुणा विपर्यास्ता काव्यसु कीर्ति, काव्यसु काव्य की जो कीर्ति करते हैं यश बढ़ाते हैं, काव्यसु कीर्तिता, ये लीजिएगा। अत एव गुणा विपर्यस्ता काव्यसु कीर्तिता, इसका भावार्थ ये है, इसका भावार्थ मैं आपको बता देता हूं कि कौन कौन से काव्य के गुण है ये भी आप जान लीजिएगा। जी हाँ, भरत मुनि ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी नाट्य शास्त्र में पहले इन्होंने परिभाषा क्या दी है, अत एव यानी इस प्रकार, अत एव यानी इस प्रकार गुण विपर्यस्ता, समझिएगा विपर्यस्ता का मतलब होता विपरीत, काव्यसु कीर्तिता, यानी बहुत सरल शब्दों में बात यह है जो भरत मुनि ने कही है कि इस प्रकार गुण विपरीत यानी दोषों के विपरीत हैं। पहली बात तो क्या है, इस प्रकार गुण दोषों के विपरीत है जो काव्य की कीर्ति को बढ़ाते हैं। लिख लीजिएगा हिंदी ट्रांसलेशन, इस प्रकार गुण दोषों के विपरीत है, इस प्रकार गुण दोषों के विपरीत है, इस प्रकार गुण दोषों के विपरीत है जो काव्य के यश ओब्लिक कीर्ति को बढ़ाते हैं, जो काव्य के यश ओब्लिक कीर्ति को बढ़ाते हैं। ठीक है, याद करना पड़ेगा, अत एव गुणा विपर्यस्ता काव्यसु कीर्तिता, इस प्रकार काव्य की कीर्ति को बढ़ाने वाले जो है वो क्या है, है गुण है। ठीक है, यानी दोषों के उल्टे गुण है, और गुण क्या करते हैं काव्य की कीर्ति यानी शोभा को बढ़ाते हैं। साथियों, आचार्य भरत मुनि ने काव्य गुणों की संख्या 10 मानी है, लिख लीजिएगा, इन्होंने काव्य गुणों की संख्या 10 मानी है। इन्होंने काव्य गुणों की संख्या 10 मानी है। 10 काव्य गुण कौन कौन से ये भी आप जान लीजिएगा। काव्य गुणों की संख्या 10 मानी है, याद करना चाह रहे हो क्या, बोलिए। चलो एक मिनट में याद करा देता हूं, पहले समझना पड़ेगा। चार चार छ ने तीन ए के साथ प्रसाद की कांति को मधुर कर दिया। लीजिएगा, ये 10 के 10 काव्य गुण इस पंक्ति में निहित है, लेकिन आप तुक्का लगा रहे हैं, थोड़ा सा समझने की कोशिश तो कीजिएगा। 400 बोर्ड पे देखिएगा, 4 तो क्या है, 6, 3 क्या है, प्रसाद की कांति के साथ उसको क्या कर दिया, मधुर।
अब आप देख लीजिएगा, चार से का मतलब क्या है यह भी बता देता हूं। चार से का मतलब, से का मतलब समता। पहले देखिएगा, से का मतलब और से का मतलब समाधि। नाम सुना होगा समाधि का, कहाँ सुना है? आप बताओ सर, आप सारण साहब आप बताओ कहाँ सुना है? क्या बात है, बहुत अनुभवी आदमी, इतने बड़े बड़े संत प्रवृत्ति के लोग बैठे हैं कि साहब जो ज्ञान धारणा जो समाधि लगाते हैं, बिल्कुल बात सही भी वहीं से लिए गए। समाधि का मतलब होता अवधान या एकाग्रता। और जहां हम बात करते हैं काव्य के तीन महत्वपूर्ण हेतु है, कौन कौन से? प्रतिभा, अभ्यास, वेत्पत्ति, और चौथा है समाधि, जिस पर सबसे पहले संकेत आचार्य वामन ने 8वीं शताब्दी में किया था। तो समाधि एक काव्य का हेतु भी है। समता, समाधि और सुकुमारता। मैं गदगद हो जाता हूँ, ऐसी क्लास में इतने संत प्रवृत्ति के लोग बैठते हैं। सुकुमारता, और लास्ट में क्या हो जाएगा? सलेश। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, भरत मुनि ने भी सलेश को क्या माना है? काव्य का गुण है। जबकि सलेश तो क्या है? देखो, आपके हिसाब से अलंकार है और इनके हिसाब से क्या है? काव्य का गुण है। ए, ए का मतलब अर्थ व्यक्ति, ए का मतलब उदारता, ए का मतलब ओज। अब आपका हिसाब इसमें ए का है, ये तो ट्रिक्स है, आप अपने हिसाब से सेट कर लो मेरा क्या है। मैंने तो समझा दिया, ये ए ही दिख रहे हैं, ए ए ऐसे, तात्पर्य इसका ये तीन ए। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको बहुत जल्दी है, जैसे जिम की शादी से दूसरी शादी की भी शोभा बढ़ानी है, जल्दबाजी क्यों कर रहे हैं आप? मुझे ही नहीं है जल्दबाजी। प्रसाद से क्या बनेगा? प्रसाद, देख मेरी तरफ रहे हैं, लिख कॉपी में रहे हैं, तो फिर रुकी जाओ ना दो मिनट के लिए आराम से। इसी प्रकार कांति से क्या बनेगा? कांति और मधुर से क्या बनेगा? काव्य गुणों की संख्या कितनी हो गई है? 10। 4, 3, 7, 8, 9 और 10। भरत मुनि ने आज से 2300 वर्ष पहले काव्य गुणों की संख्या कितनी मानी है? 10। उतार लीजिएगा, इन्होंने काव्य गुणों की संख्या 10 मानी है। ऋतु कुमार कह रही है कि सर क्लास रुककर चल रही है, प्रशांत पूनिया जी कह रहे हैं नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है सर, वीडियो रुक रही है, ऐसा कैसे रुक रहा है आपके साथ? नेहा जी कह रही है रुकने मत दो, आप तो लगातार चालू रुको। चलिए, तो ये आचार्य भरत मुनि ने काव्य गुणों की संख्या कितनी मानी है साथियों, बताइए? 10। क्लास छोड़ने से पहले आपको याद हो जानी चाहिए, कल के लिए कुछ भी नहीं रखना है, समझ में आ गए? और अगला जो टेस्ट होगा बहुत ही अट्रैक्टिव, बहुत ही अफेक्टिव होगा, 7 दिन पहले से तैयारी चालू कर दीजिएगा अगर क्लास में टॉप करना है तो, समझ में आ रही है? तो ये भरत मुनि ने काव्य गुणों की संख्या ट्रिक्स के माध्यम से समझाने के बाद आपको समझ में आ गई है कि इन्होंने काव्य गुणों की संख्या 4 मानी है। देखिएगा, शुरुआत में ट्रिक्स हो, चाहे नया परिवेश हो, नई कोचिंग हो, नए दोस्त हो, हेजिटेशन होती होती है, लेकिन धीरे धीरे अगर आप पढ़ेंगे 2-3 बार इसको, 4 सैने 4 सैने, 3 ए के साथ प्रसाद की कांति को मधुर कर दिया, फिर बोलेंगे बहुत ईजी है। अगर मान लीजिए आप बस से आ रहे, बस वाला किराया मांगे और ये बोल दीजिएगा, फिर बोले कहाँ उतरेगी, दोबारा भी ये ठोक दो, तो उसको ऐसा लगेगा कि ये तो गेली है, और इससे फिर क्या होगा कि आपका किराया भी बच जाएगा और ये का ये भी याद हो जाएगा। चौथा अप्रत्यक्ष लाभ ये होगा, अगर मान लीजिए आपके पड़ोस में कोई हिंदी का विद्यार्थी बैठा है या बैठी है, तो पूछेगा कि कहाँ कोचिंग कर रहा है या कर रही है, तो कहेगी शंकर सर के पास, तो 2-3 बच्चे यहाँ भी बढ़ जाएंगे। इसलिए पहली बात तो इसको बोलते हैं अप्रत्यक्ष लाभ। ठीक है, आगे समझ में? भरत मुनि के बाद आगे बढ़े,
भामह, आचार्य भामह, भामह का समय, बोलिएगा भाई, कश्मीर की निवासी है, समय छठी शताब्दी है, छठी शताब्दी, ग्रंथ का नाम काव्य अलंकार, इनके ग्रंथ का नाम है काव्य अलंकार। ध्यान दीजिएगा, दो ऐसे विद्वान है काव्य शास्त्र के जिनके ग्रंथों का नाम काव्य अलंकार है, भारु भामह और, देखिएगा भा और रू का मतलब रुद्रट, दोनों के ग्रंथ का नाम काव्य अलंकार है, भामह का भी और रुद्रट का, दोनों का भी जन्म, इसका मतलब मैं सोच रहा हूँ कि आप रोक देना चाहिए, ज्यादा समझ में आ जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी आपको। ठीक, हाँ सर, दे में रे लगता है, ये लीजिएगा सर, मैं लगा ही देता हूँ, क्या दिक्कत है, ये लीजिएगा, रुद्रट और भामह। रुद्रट का समय वैसे 90 है, ग्रंथ का नाम दोनों का एक ही, दोनों का जन्म कश्मीर में होता। चलेगा, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। साहब भामह ने क्या कहा काव्य गुणों के बारे में, छठी शताब्दी में, यानी आज से 1400 वर्ष पहले। तो लिखिएगा, इन्होंने भी काव्य गुणों की संख्या 10 ही मानी है, और कौन से, जो भरत मुनि ने माने थे। इन्होंने भी काव्य गुणों की संख्या 10 ही मानी है, काव्य गुणों की संख्या 10 ही मानी है। ठीक है, लेकिन यहां एक दिक्कत कर दी इन्होंने, काव्य गुणों की संख्या तो 10 मान ली, लेकिन नीचे लिखिएगा, इन्होंने ओज गुण की उतनी प्रशंसा नहीं की, ओज गुण की उतनी प्रशंसा नहीं की जितनी माधुर्य और प्रसाद गुण की की, जितनी माधुर्य और प्रसाद गुण की। ठीक है, मतलब कुल मिला के हम यूं समझ सकते हैं कि इन्होंने दो गुणों को तो महत्व दिया और एक को अवॉर्ड कर दिया। कौन से गुण को महत्व नहीं दिया? औज गुण को इतना महत्व नहीं दिया जितना माधुर्य गुण को और प्रसाद गुण को। अब एक देखिएगा, एक तरफ तो बात यहां तक वो रही थी, कहां तक पीछे जाना पड़ेगा मुझे, ये रहा अपने पास, इसमें है औज प्रसाद माधुर्य तीनों, बोलिए है, ये देखिएगा, देखिएगा और औज, इसका मतलब 2300 साल पहले तो तीनों ही थे, लेकिन 2800 साल पहले दो ही थे, और यहां आते आते भी ये कितने हो गए बताइए, भामह ने माने तो पूरे टोटल 10 ही है, लेकिन इसमें मुख्य रूप से दो को ही महत्व दिया, ओज नामक काव्य गुण को इन्होंने महत्व नहीं दिया। और इसके पीछे उन्होंने तर्क दिया कि ओज से है ना, हालांकि ओजस्वी भावना का संचार होता है, लेकिन काव्य के दो गुणों से भी शोभा बढ़ाई जा सकती है, एक तो शांति के साथ और एक मधुरता के साथ, ढोल ढमाके के साथ शोभा बढ़ाने से कोई मतलब नहीं है। ये इनका व्यक्तिगत विचार था, किनका, भामह का। भामह के बाद हम चर्चा कर रहे आचार्य दंडी, जिनका समय 7वीं शताब्दी है, ग्रंथ का नाम काव्य आदर्श है, दक्षिणी भारत के निवासी माने जाते हैं, दय से दय को जोड़िएगा। ठीक है, दंडी 7वीं शताब्दी, काव्य आदर्श ग्रंथ है, इन्होंने काव्य गुणों की संख्या कितनी मानी है, 10 मानी है। लिख लिया, फिर रिपीट कर रहा हूं, आचार्य दंडी लिखने की जरूरत नहीं, पहले समझिएगा, जो दक्षिणी भारत के निवासी से, दे से दे को जोड़ेंगे, 7वीं शताब्दी है, ग्रंथ का नाम काव्य आदर्श है। अब आप जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे लिखिएगा, इनका गुण विवेचन आचार्य भरत मुनि का, इनका, हाँ, इनका गुण विवेचन आचार्य भरत मुनि का पुनराख्यान मात्र है। देखिएगा, पुनराख्यान मात्र है, पुनर प्लस आख्यान, पुनराख्यान मात्र है,
इनका गुण विवेचन भरत मुनि का बोर्ड पे लिख दिया मैंने, पुनर प्लस आख्यान यानी पूर्व आख्यान मात्र है। या फिर आगे लिखिए, या स्थिति हेतु वेद प्राण या स्थिति हेतु ने नाम दिया था सुकुमार महा, ये भी जानना जरूरी है। और अग्नि पुराण इन आचार्यों की अपेक्षा अपने पूर्व अधिक विस्तृत और व्यापक है। एक बात जो इंपोर्टेंट, पुनराख्यान मात्र किसका माना था ना, चार सह में समाधि भी था, तो इन्होंने क्या किया, दंडी ने समाधि को सर्व समाधि नामक काव्य गुण को सर्वाधिक महत्व दिया। इन्होंने समाधि नामक काव्य गुण को सर्वाधिक महत्व दिया, ठीक है। यहां तक भी आप अच्छी तरह से पहुंच चुके होंगे। अब हम चर्चा करते हैं कि साहब आठवीं शताब्दी तक तो पहुंच गए, अब नहीं सातवीं शताब्दी तक पहुंच चुके, अब हम चर्चा करेंगे किनके अनुसार, आचार्य वामन के अनुसार। लिखिएगा आचार्य वामन जिनका समय है आठवीं शताब्दी, आचार्य वामन जिनका समय आठवीं शताब्दी है। ग्रंथ का नाम काव्यालंकार सूत्रवृत्ति। इनके ग्रंथ का नाम वामन आठवीं शताब्दी, ग्रंथ का नाम काव्यालंकार सूत्रवृत्ति है। साथियों यहाँ ध्यान देने की महत्वपूर्ण बात यह है कि आचार्य वामन ने सबसे पहले यहां भी लिख लीजिएगा काव्य गुणों का सुस्पष्ट लक्षण प्रस्तुत किया, इन्होंने काव्य गुणों का सुस्पष्ट लक्षण प्रस्तुत किया। सर्वप्रथम काव्य गुणों का सुस्पष्ट लक्षण प्रस्तुत किया, और लिखा काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुणा। काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुणा, जो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं ऐसे धर्म को क्या कहा जाता है, गुण कहा जाता है। ये बात आठवीं शताब्दी की है, काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुणा, इसका हिंदी ट्रांसलेशन भी लिख लीजिएगा, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म काव्य गुण कहे जाते हैं, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म काव्य गुण कहे जाते हैं। एक अन्य स्थान पर आचार्य वामन ने कहा है, लिखिएगा एक अन्य स्थान पर आचार्य वामन का मत है, एक अन्य स्थान पर आचार्य वामन ने कहा है विशिष्टा पद रचना रीति विशेषो गुणो आत्मा, विशेषो गुणो आत्मा गुणा आत्मा, विशिष्ट पद रचना रीति विशेषो गुणा आत्मा पदम, ये लीजिएगा ये भी आचार्य वामन का ही कथन है, आराम से देखिएगा। विशिष्टा लिख दिया मैंने, पद रचना रीति दो बार बोल देंगे, साम आपके सामने बोर्ड पर लिखा ही हुआ है विशिष्टा पद रचना रीति विशेषो गुणा आत्मा पदम,
दोनों ही कथन किसके हैं? आचार्य वामन के हैं। इसका भी हिंदी वर्जन में आप तक पहुंचा देता हूं कि हिंदी वर्जन है क्या, क्या कहना चाहते हैं। लिख लिया सभी नहीं आता? लिखो, विशिष्ट पद रचना ही रीति है, विशिष्ट पद रचना ही रीति है, विशिष्ट पद रचना ही रीति है, गुण उसकी आत्मा है। विशिष्ट पद रचना ही रीति है और गुण उसकी आत्मा है, गुण उसकी आत्मा है। ये बात कौन कह रहे हैं? ये बात कह रहे हैं आचार्य वामन। कब की बात है साथियों? आठवीं शताब्दी की। दो बातें, पहली बात तो आपको समझ में आती होगी, काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुणा, ये बात किसने कही? वामन ने। दूसरी बात कही विशिष्ट पद रचना रीति, विशिष्ट पद से युक्त रचना ही रीति है और गुण उसकी क्या है? आत्मा है। यानी रीति की आत्मा किसको कहा गया? इनके अनुसार गुण को माना इन्होंने। ठीक है, आगे बढ़िएगा। इन्होंने काव्य गुणों की संख्या, इन्होंने काव्य गुणों को दो वर्गों में विभक्त कर दिया, इन्होंने काव्य गुणों को दो वर्गों में विभक्त कर दिया, काव्य गुणों को दो वर्गों में विभक्त कर दिया। एक तो हो गया शब्द गुण जिनकी संख्या 10 है, और अर्थ गुण जिनकी संख्या भी इन्होंने कितनी मानी है? 10। टोटल काव्य गुणों की संख्या इन्होंने मानी है 20। इन्होंने काव्य गुणों को दो वर्गों में विभक्त कर दिया, शब्द गुण 10, अर्थ गुण 10, टोटल काव्य गुणों की संख्या इन्होंने मान ली है 20। ठीक है, तो जिन्होंने काव्य गुणों का सुस्पष्ट लक्षण प्रस्तुत किया था उनके अनुसार काव्य गुणों की संख्या कितनी है? 20। चलिए आगे बढ़ते हैं। वामन के बाद में अब मैं आपको ले चलता हूं आनंद वर्धन साहब के अनुसार। आनंद वर्धन, कृपया यात्रीगण ध्यान दे, समय 9वीं शताब्दी है। आनंद वर्धन, समय 9वीं शताब्दी है और ग्रंथ का नाम क्या है बताएंगे? द्वैन्यालोक। आनंद वर्धन जिनका समय 9वीं शताब्दी है, ग्रंथ का नाम द्वैन्यालोक है। ठीक है, इन्होंने क्या किया है और इनका जो काव्य गुणों का वर्गीकरण है ना, वो बेहद प्रभावी और सबसे इंपॉर्टेंट भी है आचार्य मम्मट के बाद में। इन्होंने क्या किया है? तो इन्होंने चित्त की अवस्थाओं के आधार पर, चित्त की अवस्थाओं के आधार पर, अवस्थाओं के आधार पर, आधार पर काव्य गुणों की संख्या, गुणों की संख्या 3 मानी है। काव्य गुणों की संख्या 3 मानी है। किसके आधार पर? चित्त की अवस्थाओं के आधार पर काव्य गुणों की संख्या 3 मानी है। ठीक है, एक और बात जो परीक्षा में आएगी, 3 कौन कौन से माने तो बताना है मुझे, लेकिन इससे पहले याद आ गए फिर कहीं ना कहीं इधर उधर चले जाएगा, इसलिए लिखवाई देता हूं। आनंद वर्धन ने चित्त की अवस्थाओं के आधार पर काव्य गुणों की संख्या कितने मानी है? 3 मानी है। एक बात जो इससे भी ऊपर कहीं ना कहीं आप लिख लीजिएगा, पहले समझा देता हूं। इन्होंने क्या किया? गुण को, देखिएगा, गुणों को रसा आश्रित माना है, इस बात को समझिएगा। इन्होंने गुणों को रसा आश्रित माना है। रामचंद्र शुक्ल जी ने भी गुणों को रस पर आश्रित माना है। कैसे? जहां भी ओज गुण होता है वहां वीर रस होता है। तो इसलिए आनंद वर्धन ने जितने भी गुण है, 3 गुण है, उनको रसों पर आश्रित माना है। जहां भी वीर रस होगा वहां ओज गुण होगा, जहां भी श्रृंगार रस होगा वहां माधुर्य गुण होगा। ये तो बाद की बातें मैं आगे डिटेल से पढ़ूंगा, लेकिन इसका तात्पर्य है कि गुण स्वतंत्र नहीं है, बल्कि गुण किस पर आश्रित है? रसों पर आश्रित है। ये बात लिख लीजिएगा, इन्होंने गुणों को रसा आश्रित माना है।
इन्होंने गुणों को रसा आश्रित माना है, और अगर लिख ही रहे तो लिख लीजिएगा शुक्ल जी ने भी ऐसा ही माना है। इन्होंने गुणों को रसा आश्रित माना है और आचार्य शुक्ल जी ने भी ऐसा ही माना है। लिख लिया, शुक्ल जी ने भी गुणों को रस पर आश्रित माना है। साथियों, चित्त की अवस्थाओं के आधार पर काव्य गुणों की संख्या इन्होंने तीन मानी है। याद करवा देता हूं, हमारा चित्त, चित्त का मतलब क्या होगा बताइए सर? चित्त का मतलब हमारे अंदर मन की अवस्था क्या कहलाती है? चित्त। सही है, चित्त का मतलब क्या होता है? मस्तिष्क। चित्त का मतलब क्या होता है? मन। ठीक है, मन या मस्तिष्क से आप समझ लीजिएगा। इनकी अवस्थाओं के आधार पर काव्य गुणों की संख्या तीन मानी है। कभी कभार हमारा चित्त, जिसको देसी भाषा में हमारी तरफ तो चेता कहते हैं कि चेता चक गए के तेरा, वो वाली बात है, लेकिन यहां चित्त का मतलब होता मन या मस्तिष्क। देखो, कभी कभार हमारा मन या मस्तिष्क कैसे होता है? कभी कभार उसकी स्थिति बदल जाती है और कभी कभार उसकी स्थिति फिर से बदल जाती है। तो चित्त, मन, मस्तिष्क की अवस्थाओं के आधार पर काव्य गुणों की संख्या तीन मानी है। कभी कभार हमारा मन, मस्तिष्क या चित्त में एक ऐसा भाव उत्पन्न हो जाता है जिसका नाम है द्रुति। द्रुति का मतलब होता पिघलना, समझ गए? द्रुति का मतलब होता पिघलना, यानी ऐसी काव्य रचनाएं जिनको पढ़ने के बाद, सुनने के बाद पाठक और श्रोता के मन में एक विशेष भावना का समावेश हो जाता है या उसका चित्त द्रुति यानी पिघल जाता है, तो वह माधुर्य गुण होता है। ध्यान दीजिएगा, जिसे अभी तक हम लोग माधुर्य कहते आए उसका नाम इन्होंने क्या रख दिया? द्रुति रखा है। ठीक है, फिर कभी कभार क्या होता है कि हमारा मन, मस्तिष्क कभी कभार दीप्त यानी क्या हो जाता है? दीप्त का मतलब एक ओजस्वी भावना का संचार हो जाता है। तो दीप्ति का मतलब क्या होता है बताइए? फैलना। नहीं, दीप्ति का मतलब होता ओजस्वी भावना का संचार, और उसको नाम क्या देते हम? ओज गुण। इन्होंने उसका नाम क्या दिया? दीप्ति। और एक का नाम इन्होंने दिया है व्यापकत्व, जिसका मतलब होता फैलना। अब किसका फैलना बताइएगा? तो यहां कौन सा गुण हो जाएगा? प्रसाद गुण। तो इन्होंने काव्य गुणों की संख्या कितनी मानी है? तीन, उतार लीजिएगा। और जिनका नाम क्या क्या रखा है मैंने आराम से आपको बता दिया है। आनंद वर्धन के अनुसार इनकी संख्या तीन मानी गई है। उतार लिया होगा? आनंद वर्धन, जिनका समय 9वीं शताब्दी, साथियों, इन्होंने काव्य गुणों की संख्या तीन ही मानी है, और तीनों काव्य गुण चित्त की स्थितियों के आधार पर माने हैं, चित्त की अवस्थाओं के आधार पर इन्होंने माने हैं, द्रुति, दीप्ति और व्यापकत्व। द्रुति को जो काव्य गुण नाम दिया इन्होंने वो रखा है माधुर्य। जिसे माधुर्य कहते हैं उसका नाम क्या रखा? द्रुति। चलो जी, माधुरी। दीप्ति का मतलब क्या रखा? औज। और व्यापकत्व का मतलब क्या हो जाएगा? प्रसाद। यहां तक समझ में आगे चलेगा। आनंद वर्धन के बाद हम चर्चा करेंगे आचार्य कुंतक के अनुसार। आचार्य कुंतक के अनुसार आचार्य कुंतक का समय क्या है ये बात भी आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। नहीं समझें तो अगली क्लास में हम समझेंगे, क्योंकि अब शारीरिक परिस्थितियां मुझे इस बात के लिए इजाजत नहीं देती है कि मैं क्लास को अभी कंटिन्यू रख पाऊँ। तो आज के लिए इतना ही। अपनी अगली मुलाकात
शाम को 4 बजे जो बेच चल रहा है उसमें मैं राजभाषा हिंदी का संवैधानिक प्रावधान पढ़ा रहा हूँ, तो 4 बजे होगी। और जो लोग सुबह आ रहे हैं, अपनी अगली मुलाकात कल डोट सुबह 7 बजे होगी। तब तक के लिए नमस्कार। अभी ये पूरा नहीं हुआ है, अभी कल इसको यहीं से कंटिन्यू आगे रखेंगे।